कामा मेवात क्षेत्र में ऑनलाइन सेक्स चैटिंग का कारोबार दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है, जहां भोले वाले लोगों को ऑनलाइन ठग बदमाश अपने जाल में फंसाकर उनसे मोटी रकम वसूल करते हैं। ऐसा ही एक सनसनीखेज मामला आज सामने आया है, जहां कैथवाड़ा थाना अधिकारी कमरुद्दीन को मुखबिर से सूचना मिली कि दो ऑनलाइन ठगी के पैसे लेकर जा रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने कैथवाड़ा थाने में नाकाबंदी करा दी, जहां सीकरी चौराहे पर पुलिस को दो ऑनलाइन ठग नजर आए, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर दोनों ऑनलाइन ठगों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। और दोनों ऑनलाइन ठगों की पुलिस ने तलाशी ली, जहां तलाशी के दौरान एक मोबाइल और दो फर्जी सिम सहित 2,10,000 से अधिक नकद राशि उनसे बरामद की गई है। दोनों ऑनलाइन ठगों को कैथवाड़ा थाना पुलिस थाने लाकर उनसे पूछताछ की गई, और पूछताछ करने के बाद कैथवाड़ा थाना पुलिस ने दोनों ऑनलाइन ठगों के विरुद्ध ठगी की विभिन्न धाराओं में मामला पंजीबद्ध कर लिया गया है। मामला पंजीबद्ध करने के बाद दोनों ठग बदमाशों से पूछताछ की जा रही है, साथ ही उनके मोबाइल फोन से पुलिस को अन्य ठगी के साक्ष्य मिले हैं। उन ठगी के साक्ष्यों के आधार पर पुलिस जांच में जुटी हुई है। साथ ही कामा मेवात क्षेत्र में ऑनलाइन ठगी का नेटवर्क बड़े ही व्यापक स्तर पर चल रहा है। अन्य राज्यों के लोगों को यह लोग अपनी ठगी का शिकार बनाते हैं। यह ठग बदमाश उनकी अश्लील वीडियो बनाकर और उन्हें दबाव देकर उनसे पैसा ऐंठते हैं। यह लोग अनजान नंबरों से लड़की बनकर लोगों के मोबाइल पर वीडियो कॉल करते हैं, और वीडियो कॉल के दौरान उनसे स्क्रीन रिकॉर्ड करके उनकी वीडियो बनाते हैं, और फिर उस वीडियो को बनाने के बाद उन लोगों को व्हाट्सएप पर भेजते हैं और उन्हें ब्लैकमेल कर पैसा ऐंठते हैं। ऐसे अनेकों मामले यह सामने आए हैं, लेकिन पुलिस भी लगातार मुस्तैदी से कार्य कर रही है। भरतपुर पुलिस अधीक्षक श्याम सिंह बेहद ही ऑनलाइन ठगी की घटनाओं को लेकर गंभीर हैं, और समस्त थाना अधिकारियों को ठगी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए निर्देश दिए गए हैं, जिसके तहत उन्होंने लगातार थाना अधिकारियों द्वारा मॉनिटरिंग की जा रही है, और आए दिन ऑनलाइन ठगी के आरोपियों को पकड़कर सलाखों के पीछे डाला जा रहा है। उसी के चलते आज भी कैथवाड़ा थाना अधिकारी कमरुद्दीन ने ऑनलाइन ठगी के दो आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि उन दोनों आरोपियों से जो ठगी की 2,00,000 से अधिक की राशि थी, वह राशि भी बरामद की गई है। दोनों ठग बदमाशों से पुलिस पूछताछ कर रही है, और पूछताछ में उन ठग बदमाशों से और भी कई खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है।